अब हम देखते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है आपका आर रेस टू पावर एन माइनस आर रेस टू पावर माइनस एम माइनस एन। वेयर एन नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर पार्ट एंड एम इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, एंड एन इज द पर्टिकुलर नंबर जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो आर माइनस वंस में आपका आता है नाइन्स वंस सेवन्स एंड फिफ्टीन्स। तो सबसे पहले हम नाइन्स को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ऑफ 7543 का। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, आर इज़ अ रेडिक्स, रेडिक्स क्या है, डेसिमल नंबर है, तो इट विल बी 10, 10 रेज़ टू पावर 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट है माइनस, इंटीजर पार्ट में 4 डिजिट है, फ्रैक्शन पार्ट में कोई भी डिजिट नहीं है, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 0, माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, माइनस 0 इज़ द 0, तो हम यहाँ पे 0 ही लिख लेते हैं। ओके, माइनस दिस पर्टिकुलर नंबर 7543, तो कितना आपका आएगा, 10 रेज़ टू पावर 4 इज़ द 10,000 माइनस 10 रेज़ टू पावर 0 इज़ द 1 माइनस 7543। टू फोर फाइव सिक्स इज द आंसर, कैलकुलेशन करा हमने एंड 2456 इज द आंसर नाइन्स। अब यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है फाइंड नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट, तो यदि हमने नाइन्स फाइंड पहले कर लिया है तो टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें हम वन ऐड कर देंगे, 2457 इज द टेंस कॉम्प्लीमेंट। और फॉर्मूले से आप निकालोगे तो फॉर्मूले से भी यही आपका आंसर आएगा। सो ये मेथड है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। एक फ्रैक्शन वाला कुछ पार्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज 0.7863। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 रेज टू पावर इंटीजर पार्ट में कोई भी डिजिट नहीं है, तो 10 रेज टू पावर 0 माइनस, फ्रैक्शन पार्ट में कितनी डिजिट दिख रही है आपको, 4 डिजिट, तो 10 रेज टू पावर माइनस 4, फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है, माइनस दिस पर्टिकुलर नंबर 0.7863, 10 रेज टू पावर 0 इज़ द 1, 10 रेज टू पावर माइनस 4 इज़ द 10 रेज टू पावर माइनस 4 इज़ द 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 4, मतलब 0.0001। ओके, तो ये लिख लेते हैं हम माइनस 0.7863। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट 2136। ठीक है, वन माइनस, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया माइनस साइन के साथ, और इसमें से जब वन में से आप ये माइनस करोगे तो डेसिमल नंबर है दोनों के दोनों, तो डेसिमली जैसे आप माइनस करते आ रहे हो वैसे ही हम माइनस करेंगे, तो 0.2136 इज़ द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 0.7863। अच्छा, एक मेथड और है, नाइन्स हमने अभी फाइंड किया था, तो नाइन्स जो हमारा आया था 10 रेज़ टू पावर 4 माइनस 10 रेज़ टू पावर सॉरी 10 रेज़ टू पावर अभी जो हमने फाइंड किया 10 रेज़ टू पावर 0 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 माइनस 0.7863, इसको हमने माइनस किया था, तो कितना आपका आया था ये
ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यानी कि नाइन्स हमें फाइंड करना है, ठीक है, नाइन्स फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूले बेसिस पे तो यही आएगा आपका, फॉर्मूले बेसिस पे तो करेक्ट आ ही रहा है। शॉर्टकट बता रही हूँ आपको, यदि आपको क्रॉस चेक करना है अपना क्वेश्चन, तो जितना नंबर दे रखा है आपका उतने नाइन लगा दो, यानी कि आपको 0.7863 दे रखा है तो आप 0.9999 लगा दो। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको 7543 वाला, 7543 का नाइन्स बताया था, तो उसका फॉर्मूले से निकाला था, तो वो आपका आया था दिस वन, है ना, इसको आपने फाइंड किया था ना, फॉर्मूले से निकाल के 9999 आया था, माइनस 7543 आया था। तो ये नंबर, ये नंबर कैसा आया था, फॉर्मूले से आया था, और शॉर्टकट ये है कि 7543 फोर डिजिट है ना, तो 49 लगा दो आप, तो सेम आंसर आएगा 9999। सपोज मुझे 75 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, 99 माइनस 75, मुझे 863 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मैं करूँगी 9999 माइनस 863। ओके, दिस इज शॉर्टकट, बट आपको इसे एग्जाम में यूज़ नहीं करना है, इससे आप जस्ट चेक कर सकते हो अपना आंसर, एग्जाम में आपको फॉर्मूले से ही करना है। तो ये तो बात रही आपकी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की, अब हम चलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट पे, क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10110। क्या फॉर्मूला है, 2^5 1 2 3 4 5, ओके, इंटीजर पार्ट में कितनी डिजिट है, 5, तो 2^5, 2 इज बेस ऑफ दिस बाइनरी नंबर सिस्टम, सो दिस इज 2 माइनस, फ्रैक्शन पार्ट में कितनी डिजिट है, एक भी नहीं, तो 2^0 इज द 1 माइनस दिस पर्टिकुलर नंबर 10110। 2^5 इज द 32 माइनस 1 इज द 31 माइनस 10110। अब आपको पता ही है ये पूरा नंबर किस में है, डेसिमल में है, तो इसे आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में। 31 का बाइनरी हम निकाल लेते हैं, दिस इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो दिस इज 11111 माइनस 10110। फिर से बाइनरी सबट्रैक्शन करिए, कैसे करेंगे, 1-0 इज द 1, 1-1 इज द 0, 1-1 इज द 0, 1-0 इज द 1, 1-1 इज द 0, तो 0101 इज द आंसर। अब वैसे भी आप चेक कर सकते हो इसे, 1 का 0 और 0 का 1 करके सेम आ रहा है, पूरा सेम आ रहा है। सो ये फॉर्मूले के बेसिस से हुआ, और डायरेक्टली भी आप देख सकते हो इसे, यही आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट का, 101.1101। इसका हमें फाइंड करना है वंस वंस ऑफ 101.1101। तो फॉर्मूला क्या है, 2^ कितने डिजिट है इंटीजर पार्ट में, 3 माइनस 2^ फ्रैक्शन पार्ट में कितनी डिजिट है, 4, तो माइनस 4 माइनस दिस नंबर 101.1101। नाउ दिस इज 8, दिस इज 2^-4 इज द 1/2^4 मींस 1/16। 1/16 को कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आएगा, 0.625, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट करो, 8 माइनस दिस वन, साइड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो डेसिमल तरीके से हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया 7.9375 माइनस। आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी आप कैलकुलेशन करते हैं, तो एक बार उसे क्रॉस चेक कर लिया करें कि आपने सही करा है कि नहीं करा है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आप क्रॉस चेक भी करते रहा करें। बट ये किस में है, डेसिमल में, और माइनस किस में से करना है, बाइनरी को, तो चेंज करना है, सेम बनाना है दोनों को, इसको आप बाइनरी बना लो, तो 7 का बाइनरी कितना आता है, 1111 पॉइंट। अब इसका बाइनरी बनाओ, कैसे सिखाया था आपको डेसिमल से बाइनरी,
टू से मल्टीप्लाई करके, फ्रैक्शन पार्ट के लिए टू से मल्टीप्लाई करके, फ्रैक्शन पार्ट को इधर लिखते हैं हम, इंटीजर पार्ट को इधर लिखते हैं, फिर से हम फ्रैक्शन पार्ट को उठाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है, अच्छा फोर डिजिट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर डिजिट है तो फोर डिजिट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो टॉप से बॉटम लेते हैं इसमें, तो क्या आ रहा है आपका 0.1111, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, -101.1101। 7 का बाइनरी कैसे निकालते हैं पता है आपको, जैसे हमने डिवीजन का निकाला है बिल्कुल उसी तरह से, इसमें हम लेते हैं बॉटम टू टॉप, उसमें लेते हैं हम टॉप टू बॉटम। अब इसे माइनस करते हैं, कितना आपका आएगा, 1-1 = 0, 1-0 = 1, 1-1 = 0, 1-1 = 0, 1-1 = 0, 1-0 = 0, 1-1 = 0, ये आपका आ गया वंस ऑफ दिस नंबर। चेक कर लीजिए एक बार, 1 का 0 और 0 का 1 सेम आना चाहिए। ओके, तो ये आपका फाइंड करना आपको आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको नोट्स चाहिए इसके तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं सेवन्स एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट। सपोज हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन है सेवन्स एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3675, ठीक है। तो सेवन्स फाइंड करते हैं पहले हम, सेवन्स ऑफ 3675, ठीक है। तो क्या होगा, कितना बेस है, बेस क्या है, रेडिक्स क्या है, ऑक्टल नंबर है, ठीक है। सेवन एट्स हैं, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में आता है और ये नंबर भी आपका ऑक्टल में ही है, दिया नहीं है बट हमें समझ जाएंगे। एट से यदि नंबर ज़्यादा होता तो ये ऑक्टल नहीं होता, यहाँ पे सेवन तक है मैक्सिमम नंबर, तो दिस इज़ ऑक्टल नंबर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, रेडिक्स कितना होगा, 8 रेज़ टू पावर 4 माइनस सेवन्स मतलब आर माइनस वंस, फॉर्मूला क्या होगा, 8 रेज़ टू पावर 4 माइनस 8 रेज़ टू पावर इंटीजर पार्ट में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पार्ट में कितना डिजिट है, 0 माइनस 3675, कितना ये आ जाएगा आपका, 8 × 8 × 8 × 8 कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 4096 माइनस 8 रेज़ टू पावर 0 इज़ द 1 माइनस 3675, दिस इज़ 4095 माइनस 3675। अब इसको आप, ये दोनों ऑक्टल, ये आपका डेसिमल है, ये आपका ऑक्टल है, ओके। इसे बहुत ध्यान रखिएगा कि कौन सा नंबर सिस्टम में पर्टिकुलर नंबर है, ये ऑक्टल चला रहा है ऊपर से, और ये जो आप कैलकुलेशन करते हो है ना, जो आप पावर के कैलकुलेशन करते हो, ये सब आपका डेसिमल में आता है। तो डेसिमल से ऑक्टल बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे हम, डेसिमल से ऑक्टल के लिए बताया था मैंने आपको, 8 से आप डिवाइड करते हो, ठीक है ना। तो डेसिमल से जब बाइनरी करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल से जब ऑक्टल करते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं। तो बनाइए, सेवन आ गया, ठीक है। डिवाइड कर रहे हो सिंपली आप, ठीक है ना। तो आपका आ गया टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दिस इज 7777 माइनस 3675, कितना आपका आ गया, 7-5 = 2, 7-7 = 0, 7-6 = 1, 7-3 = 4। तो ये आपका आ गया सेवन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3675। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं या चेक कर सकते हो आप, फॉर्मूले से करना है एग्ज़ाम में, तो ठीक है चेक कैसे कर सकते हैं, सेवन्स निकालना है 3675 का, तो जितने डिजिट हैं उतने सेवन लगा दो, तो चार डिजिट दिख रही है तो 4 7 लगा दिए, माइनस 3675, इट्स द आंसर। एट्स निकालना है तो सेवन्स हमारे पास है तो दिस इज 4102 + 1, दिस इज 4103 इज़ द एट्स कॉम्प्लीमेंट।